नमस्कार कृष्णा जी, नमस्कार सर। आप यहाँ किस पद पे हैं? सर मैं यहाँ वन रक्षक के पद पे हूँ। अच्छा, आप भाई साहब, आपको क्या नाम है? मेरा युगन सिंधा नाम। अच्छा, आप क्या हैं यहाँ पर? मैं तो यहाँ अभी तो रेस्ट हाउस में हूँ, अभी पूरा कंफर्म नहीं किसने रखा है। गेस्ट वेस्ट आते हैं रेस्ट हाउस का, ये सब काम आप करते हैं? आते हैं। आपका क्या नाम है? रमन पटेल। अच्छा, आप क्या काम देखते हैं यहाँ पर? हम कलम तलाई चौकी से। अच्छा, चौकी पे क्या काम रहता है आपका? बस गश्त पे। अच्छा, सुबह शाम गश्त की जरूरत पड़ती है क्या? लोग पत्ता वत्ता तोड़ने घुसते हैं क्या? पत्ते वत्ते के लिए भी घुसते हैं। अच्छा, तो आप समझाते हो उनको कि अंदर नहीं आना है। अच्छा, इसका भी कुछ बताइए, कब से बना है ये? सर ये क्यूनी अभ्यारण का जो रेस्ट हाउस है ये तो 1956 में बना है। अच्छा, काफी पुराना है। हाँ, काफी पुराना है और स्टेट जमाने से यहाँ पे लोग सैलानी आते रहे हैं और जाते रहे हैं। देवास राजघराने का? हाँ, देवास राजघराने के लोग भी काफी यहाँ इंटरेस्टेड रहे हैं, पहले आए हैं, उनकी वजह से आज डेवलप हो रहा है। और धीरे धीरे जब से कितना इसका कुल एरिया कितना है? सर इसका एरिया है 134 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये। अच्छा। ये दो डिस्ट्रिक्ट में बटा हुआ है, एक देवास डिस्ट्रिक्ट है जो नीचे वाला पोर्शन है विंध्याचल श्रृंखलाओं का। अच्छा। और जो ऊपर वाला क्षेत्र है वो सीहोर डिस्ट्रिक्ट में है। अच्छा, लेकिन तो मैदानी क्षेत्र भी है और पहाड़ी क्षेत्र? हाँ सर, मैदानी क्षेत्र भी है, पहाड़ी क्षेत्र भी है। ये ढलानों में ज्यादातर बसा हुआ है। तो काफी बड़ा जंगल है, कौन से पेड़ यहाँ ज्यादातर मिलते हैं? सर वैसे तो यहाँ पे मतलब अपने मिश्रित वन है, लेकिन ज्यादातर सागौन के वृक्ष हैं यहाँ। अच्छा। सागौन के वृक्ष हैं, उसके बाद में अपने तेंदू के हैं। अच्छा। साजड़ है, धावड़ा है, लेंडिया है, पलास है। अच्छा। काफी वृक्ष है सर। और ये हरा बहरा और? हाँ ये भी है सर। और फल वाले कुछ वृक्ष हैं? फल वाले वृक्षों में सर अपना जो चारोली है। हाँ। चारोली के चिरौंजी बोलते हैं। जिसे चिरौंजी बोलते हैं उसके उसके पेड़ भी है सर। उसके बाद में अपना टेमरू तेंदू जो खाते हैं लोग। हाँ, उसके भी है, बहरा है, हर्रा है, महुआ है, विशेषकर यहाँ पे महुआ। कई तरह के पेड़ है यहाँ तो? जी सर। बढ़िया। अच्छा, ये यहाँ ये अपना घास चरने वाले जानवर हैं, हर्बीवोरस? हाँ, घास चरने वाले हैं ना सर। क्या कौन कौन से जानवर? सर यहाँ पे ज्यादातर जैसे नील गाय है हमारा। अच्छा। वो उसके बाद में चीतल है। अच्छा। सांबर भी है? सांबर भी है सर यहाँ पे। अच्छा। और चिंकारा है। अच्छा। भेड़की है। अच्छा। बार्किंग डियर। तो ये पर्याप्त मात्रा में है? हाँ सर, पर्याप्त मात्रा में है। ये कुछ ऊपर है, कुछ नीचे है। तो ये जानवर है तो इनको खाने वाले जानवर भी होंगे? हाँ, वो तो एक सर्कल बना है सर, तो वो तो स्वाभाविक है। वो भी हमारे तेंदुए अक्सर देखने को मिलते हैं। तेंदुए हैं? हाँ है सर, तेंदुए हमें अक्सर देखने को मिलते हैं। पानी के तेंदुए होंगे? आपने कभी यहाँ इनका जनसंख्या या सर? हाँ, होती है गणना तो हर दूसरे वर्ष होती है यहाँ पे गणना। अच्छा। तो उसमें लगभग 15-16 के लगभग काउंट हो रहे हैं। कई जंगलों में कैमरा ट्रैप लगाते हैं, वैसे कुछ लगाए क्या आपने? हाँ सर, हम 2015 से कैमरा ट्रैप लगाना स्टार्ट किया। हम पर डे कैमरा ट्रैप लगाते हैं और अभी तो एस्टिमेशन चल रहा है तो कंटिन्यू लगे हैं हमारे यहाँ जी। कैमरा ट्रैप में भी आपके जानवर? हाँ, कैमरा ट्रैप में काफी जानवर सब जो हमने नहीं देखे हैं वो भी उसमें आते हैं। जैसे कौन से जानवर नहीं देखे हैं? जैसे सर हमने कभी हनी वेजर नहीं देखा था, जो ऊपर से थोड़ा काला हो गया, कंफ्यूजन था उसे। फर्स्ट बार देखा, कैमरा सही से नहीं लगा, जब मालूम पड़ा कि हनी वेजर है। अच्छा। हिंदी में क्या बोलते हैं? कबर बिज्जू बोलते हैं क्या वही, या कुछ और? कबर बिज्जू अलग होता है सर, शायद उसको बिज्जू बोलते हैं। अच्छा। और कबर बिज्जू वो सिवेट? हाँ सिवेट। हाँ, कौन सा सिवेट बोलते हैं? पान सिवेट है। अच्छा। सिवेट में भी दो तीन तरह के होते हैं? हाँ सर, हमारे यहाँ जो एक मतलब जो पूंछ में गोल छल्ले टाइप। अच्छा। का जो वो जो इंडियन स्मॉल सिवेट, हाँ वो भी पाया जाता है सर। अच्छा। और इसके अलावा शाही होती है? हाँ शाही भी है सर। जी हाँ जी। तो बड़े जो हिंसक जानवर है ये कैट फैमिली में टाइगर वाइगर का सुना है कई बार? हाँ सर, टाइगर का तो यहाँ पे एक तरह से ये देखा जाए कि एक कॉरिडोर टाइप का है ये, क्योंकि इधर हमारे भोपाल से ये वन विहार से और इधर राला मंडल इंदौर से जुड़ा हुआ है और ये श्रृंखला काफी लंबी है विंध्याचल की, तो यहाँ से आना जाना चला रहता है उनका। यहाँ टाइगर नहीं है? हाँ टाइगर तो है ना, टाइगर तो आना जाना रहता है। कभी गर्मियों के दिन में उनके पग मार्क भी दिखते हैं और कैमरा ट्रैप में भी आए हैं,
2015 तो टूरिस्ट यदि यहाँ कोई टाइगर देखने आना चाहे तो कुछ चांसेस हैं वो अभी तो टाइगर टाइगर का तो ऐसा है सर, अपन नेशनल पार्क में भी जाएं तो चांस है यदि, हाँ हाँ दिख जाते हैं, लेकिन हाँ अब उनका मूवमेंट कभी जब किसी से, टूरिस्ट को दिखे होंगे टाइगर। हाँ दिखते हैं ना सर, जब से हमारे यहाँ पे एक गांव था ख्यूनी बुजुर्ग करके, उसको 2017 में हमने विस्थापित किया है। अच्छा, उसके बाद में टूरिस्ट भी आने लगे हैं और टाइगर की साइटिंग भी होने लगी है। ख्यूनी दरअसल बड़ा कम लोगों को इसके बारे में जानकारी है, और ऐसा एक आम धारणा है कि यहाँ जानवर नहीं है और जंगल भी नहीं है, पर जैसा हम देख रहे हैं कि जंगल तो बड़ा अच्छा है, जानवर भी आप बता रहे हैं, हिरन तो हमको दिखे हैं, बाकी तेंदुआ शेर यदि हो तो लोगों का बड़ा रुचि रहेगी यहाँ पर। सर मैं पिछले 5-6 साल से यहाँ कंटिन्यू हूँ पदस्थ, तो मैंने देखा है पहले यहाँ पर सुविधाएं नहीं थी सर, जैसे कि मोबाइल नहीं लगते थे, लाइट सुविधा नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे सारी सुविधा यहाँ मोबाइल यहां चलने लगे। की व्यवस्था है, रुकने की व्यवस्था सर पहले हमारे पास रेस्ट हाउस में 2 सूट थे, एक नंबर 2। ये क्या पुराना रेस्ट हाउस? हाँ सर ये 1956 में बना हुआ रेस्ट हाउस है, 1956 में बना है। हाँ जी सर, टिप्पणी अभ्रांग वन विश्राम। हाँ जी सर, इसमें 2 कमरे हैं आप? 2 कमरे हैं, दोनों में कम पड़ते होंगे और ये सर? हाँ कम पड़ते थे, लेकिन जब से गांव हटा है और फिर हमारे रेंजर साहब आए और हमारे जो अधिकारी है जिन से हमारे सीसीएफ साहब हमारे डीओ साहब देवास से इनका जब से इंटरेस्ट हुआ है और इको टूरिज्म ने जब से ध्यान दिया है इसके ऊपर गाँव हटने के बाद, तो यहाँ पे हमने 7 डबल सूट बनाए हैं सर जी। हाँ, तो उसमें हमारे पास 7 बेड लगे हुए हैं और एक फैमिली मतलब कॉटेज फैमिली या परिवार सहित। हाँ, तो परिवार सहित तो बिल्कुल आ सकते हैं, रुकने की फुल सुविधा है सर, फोन से बुकिंग हो जाती है। हाँ फोन से वो रेंज कार्यालय में फोन लगा के बुकिंग हो जाती है। ये चिड़िया का फोटो बना है आपकी, बड़ी सुंदर सी टी शर्ट है, कौन सी चिड़िया बता पाएंगे इसका? चिड़िया नहीं सर ये, हाँ जी दूसरा ये अपना जो राज पक्षी है दूरराज या पैराडाइज फ्लाई। हाँ इसका फोटो है, तो ये दिखता है कि हाँ सर ये तो यहीं पे दिखेगा आपको, रेस्ट हाउस के पास यहाँ बैठेंगे तो आपको यहाँ पे सपोरम पानी भरा इनमें दिखेगा सर। अच्छा ये बहुत अच्छा, आपने पानी भी भर रखा और हमने देखा था दाना भी डाला हुआ है। हाँ। आपने नीचे नदी में भी पानी छोड़ हमारे, रखा है। हमारे जो सीसीएफ साहब है श्री अन्नगिरी साहब उज्जैन, उनका बड़ा इंटरेस्ट है सर बर्डिंग में। हाँ और तो कुछ खास आप लोग कर रहे हैं बर्डिंग? हाँ सर बर्डिंग के लिए हमारे रेंजर साहब ने एक ट्रैक भी बनाया है बर्डिंग के लिए यहाँ पे जी। बर्डिंग ट्रैक लगभग 2-3 किलोमीटर का है, जिसको सारे पक्षी हमें लगभग लगभग यहाँ जो ख्यूनी अभ्यारण्य के देखने को मिलते हैं। और पिछले मई महीने में हमने अप्रैल महीने में यहाँ बर्ड सर्वे करवाया साहब ने, तो उसमें लगभग 125 स्पीसीज ऑफ बर्ड देखी गई है। और अभी लास्ट बार जब साहब आए तो उन्होंने और भी हमें बताई है कि हम बर्ड के लिए यहाँ पे ऐसा पानी भर के रखना है और वहाँ पे दाना वगैरह रखना है और ऐसे नेट लगा के हम वहाँ पे अपन बर्डिंग कर सके, फोटोग्राफरों के लिए स्वर्ग हो जाएगा। हाँ जी सर ऐसा बहुत अच्छी बात है, लोगों को बर्डिंग का बड़ा शौक होता है और चिड़िया मिल नहीं पाती, जैसा मैं देख रहा हूँ अभी मई का महीना है और बीच मई में भी यहाँ चिड़ियों की भरमार है और काफी तरह की चिड़िया है। कुछ खास प्रमुख चिड़ियों के आप नाम बता सकते हैं? बाज या ऐसे कुछ हैं सर? यहाँ पे उली नेक आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, उसके बाद में उली नेक स्टॉक मतलब यहाँ पर प्रवासी पक्षी, प्रवासी पक्षी है। उसके बाद में आपको ट्रीपाई है। अच्छा, हाँ उसके बाद में है आपका इन वो अपना दूधराज है, उसके बाद में इंडियन टिट है और वो अपना क्या बोलते हैं उसको प्लेम हेडेड पैराकिट से। हाँ, प्लेम हेडेड पैराकिट काफी है। हाँ, उसके बाद में अपना सरपेंट ईगल तो आपको बहुत मिले। हाँ क्रेस्टेड सरपेंट ईगल काफी है। और उसके बाद में आउल में है आपका वो किस आउल है सर? या ब्राउन फिश आउल? हाँ ब्राउन फिश आउल है सर, उसकी तो आपको दिन में भी नाइट में भी शाइटिंग हो जाती है, रेस्ट हाउस में बैठे बैठे हो जाती है सर। इंडियन ये अपना इंडियन नाइट जार